मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर स्टडी किया था। आज हम इस चैप्टर के बुक एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को डेट एंड डायमेंशन करना है। देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नेम अ कच्चा हाउस। एक कच्चा हाउस का नाम बताएंगे क्या होता है। हट, झोपड़ी जो होती है वो एक कच्चा हाउस होती है। नेम अ पक्का हाउस। बंगलो, बंगलो क्या होता है? पक्का हाउस होता है। किससे बना होता है? वो ब्रिक्स से, सीमेंट से, आयरन से, इन सब से मिलके जो बना होता है वो पक्का हाउस होता है। वेयर डू रिच पीपल ऑफ अ विलेज लिव। जो विलेजेस में जो रिच पीपल होते हैं वो किस में रहते हैं? बड़े बड़े हाउसेस में रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? हवेलीज। नाम सुना होगा आपने, देखी भी होगी। वॉट आर स्लम्स। ये जो क्वेश्चन है इससे हम जो झुग्गी झोपड़ी होती है ना उसको स्लम्स कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हम अपनी बुक में कंप्लीट, नोटबुक में कंप्लीट करेंगे। नेम अ स्लम। एक स्लम का नाम बताना। आपको एग्जाम्पल आया था मुंबई में धारावी है जो एक स्लम का नाम है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? धारावी। विच ऑफ दिस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, विच ऑफ दिस इज फाउंड इन अ विलेज। इनमें से कौन सा एक विलेज में मिलता है हमें? हट, फ्लैट या बंगलो। तो विलेजेस में मोस्ट ऑफ करके होते हैं हट, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? हट पे टिक करेंगे। पुअर पीपल लिव इन। पुअर पीपल कहाँ रहते हैं? मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, स्लम्स या बंगलो। कहाँ रहते हैं पुअर पीपल? स्लम्स में। हमने पढ़ा था ना जो कि झोपड़ियों में रहते हैं, क्योंकि वो अपने लिए हाउस को अवेलेबल नहीं कर पाते, इतनी मनी उनके पास नहीं होती, तो वो कहाँ रहते हैं? स्लम्स में रहते हैं। पक्का हाउसेस आर हाउसेस। कैसे हाउसेस होते हैं पक्का हाउसेज? स्ट्रॉन्ग हाउसेस होते हैं, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? स्ट्रॉन्ग। स्लम्स आर कॉल्ड कॉलोनीज। किसकी कॉलोनी होती है स्लम्स? रिच की? नो। झुग्गी की? नो। झुग्गी झोपड़ी दोनों होती है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? झुग्गी झोपड़ी पर टिक करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स। फ्लैट, बंगलो, स्मॉल हट, सिंपल। ए हट इज ए कच्चा हाउस। हमने ऊपर भी पढ़ा था हट क्या होता है? कच्चा हाउस होता है। बंगलो क्या होता है? पक्का हाउस होता है। बंगलो इज ए पक्का हाउस। मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग इज कॉल्ड अ फ्लैट। इन ओल्डन डेज द हाउसेस वर, पहले के ज़माने में जो हाउसेस होते थे कैसे होते थे? सिंपल होते थे। नाउडेज द हाउसेस आर स्मॉल, छोटे होते हैं। तो ये हमारा बुक एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। अब आज का आपका होमवर्क है, नेम दिस हाउसेस। इन हाउसेस को आपको नाम देना है। कौन से हाउसेस है यहाँ आपको लिखना है, ये इसका नाम क्या है, इसको क्या बोलते हैं, एंड देन इसे भी क्या बोलते हैं, सभी आपको यहाँ नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में लिखना है। और कच्चा हाउस और पक्का हाउस का पिक्चर आपको ड्रॉ करना है। थैंक यू।